दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, ये है अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज और आपके सामने फिर से एक बार इसका नज़ारा। जैसा आप देख सकते हैं ताप्ती नदी का नज़ारा और ये है काम चालू। दोस्तों कितना सुपर यहाँ से पीछे से दिखाई दे रहा है। और ये पहले पानी यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, वहाँ तक आपको दिख रहा होगा, अभी तो पानी कम हो गया। आप खुद देख सकते हैं कितना सुपर और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे चलते वक्त। और कुछ ये नज़ारा देख सकते हैं, ये वापस मैं आ गया हूँ सूरत का किला आपको दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों कैसे हैं, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो चौक बाज़ार सूरत जो मेट्रो स्टेशन का काम चालू है और यहाँ पे काफ़ी पुराने कॉलेज भी, वो भी दिखाऊंगा। और सूरत का जो किला है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। किले का गेट आज बंद है, इसका परसों उद्घाटन हुआ था और अभी मैं बाहर से दिखाऊंगा क्योंकि आज भी बंद है गांधी जयंती है इसलिए। और बाहर से इसका व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सूरत का जो मेट्रो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और ये लगभग 2027 में कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ये नज़ारा है सूरत मेट्रो और काम है नया प्रोजेक्ट। और ये है पुरानी बिल्डिंग है, एक पुरानी बिल्डिंग है, ये लिखा हुआ है नेगी चंद जवाहर चंद जवेरी इंस्टीट्यूट 1907 में इसको बनाया था दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये अंग्रेज़ों का बना हुआ है शायद। और ये है सूरत का मेट्रो स्टेशन और ये एक सूरत का किला है, इसका उद्घाटन हो चुका है। मैं एक इसी की वीडियो शूट करने के लिए आया था तो बोला आज गांधी जयंती की वजह से बंद है और मंगलवार को चालू होगा दोस्तों। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि सूरत मेट्रो का नज़ारा कैसा है। तो दोस्तों ये चौक बाज़ार का नज़ारा है सूरत की चौक बाज़ार और उसी के पास है सूरत का मेट्रो का काम। तो दोस्तों दोनों तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों काम चालू है चौक बाज़ार के पास का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाहर से ये सामने है एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं, इसको चर्च बोलते हैं और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर काम चल रहा है मेट्रो का चौक बाज़ार के पास का दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों। और काम इधर भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, ड्रिल मशीन का काम चालू है दोस्तों। तो दोस्तों ये चौक बाज़ार का नज़ारा दिखाया था मैंने आपको, अभी मैं दिखाता हूँ जो सूरत का किला है, उद्घाटन हो चुका है लेकिन अभी फ़िलहाल वो बंद है। और अभी मैं निकलूँगा रांदेर की तरफ, रांदेर रोड पर जो मेट्रो का काम चल रहा है उसका नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं एक बार अंदर गली में चल के दिखाता हूँ सूरत मेट्रो का काम भी यहाँ अंदर का कैसा है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो सूरत का किला है बाहर से उसका नज़ारा कैसा है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों ये आ गया हूँ मैं अभी मेन के रोड के अंदर तरफ आ गया हूँ, यहाँ पर बाज़ार लगती है काफ़ी बड़ी। और सामने आप किला देख सकते हो दोस्तों सूरत का, तोहफे वगैरह सब रखा चुकी हैं आप देखेंगे दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ से देखेंगे दोस्तों जो काम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से है और एक काफ़ी छोटा सीएनजी का पेट्रोल पंप है दोस्तों, वो आप देख सकते हो दोस्तों, ये है सीएनजी का पेट्रोल पंप। तो मैं आगे नहीं जाऊँगा अभी, मैं जाऊँगा वापस की तरफ, यहाँ से आप खुद देख सकते हो दोस्तों काम कैसा है। तो मैं दोस्तों आ गया हूँ पीछे दूसरी साइड से जो मैं आपको नज़ारा दिखा पा रहा हूँ। और ये एक कॉलेज है, सौरभ जी जसवंत जी ये कॉलेज है, काफ़ी पुराना दोस्तों आप देख सकते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है ये कॉलेज है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से। और जो मेट्रो का काम है दोस्तों अंडरग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कॉलेज आप देखिए दोस्तों कितना सुपर लग रहा है देखने में यहाँ से दोस्तों ये। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं ये है अंग्रेज़ों के ज़माने का कॉलेज और आपके सामने फिर से एक बार इसका नज़ारा। जसवंत जी कॉलेज बोलते हैं इसको अंग्रेज़ों के ज़माने का और यहाँ पर चल रहा है मेट्रो का काम। और एक कॉलेज इधर है और एक कॉलेज का नज़ारा पुराना वाला इधर दोस्तों, अब इधर से देखेंगे काफ़ी पुराना हिस्ट्री वाला कॉलेज है ये। और इधर है सूरत का किला जो आपको दिखाया मैंने, अभी किला आपको पास जाके दिखाता हूँ दोस्तों। तो अंदर का नज़ारा दिखाया था मैंने आपको, पुराना कॉलेज भी दिखाया, अभी मैं आपको किला दिखाने वाला हूँ। और आज क्या संडे है तो यहाँ पर एक संडे की बाज़ार लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, उसका नज़ारा मैं आपको अभी ताप्ती नदी के ब्रिज से दिखाऊँगा और आपको पता चलेगा यहाँ पर कितना ज़्यादा है ये यहाँ पर भीड़ रहती है। और इस किला के बारे में आपको जरूर दिखाऊँगा दोस्तों, किला कितना पुराना है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। देख सकते हैं ये वापस मैं आ गया हूँ सूरत का किला आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों इस किले को सन 1383 में इसको बनवाया था और ये दोस्तों इस किले को फिरोज तुगलक ने बनवाया था भीलों के हमले से, लिए सूरत शहर को बचाने के लिए इस किले को बनाया था। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ पास से इसका नज़ारा कैसा है। और यहाँ पर देखिए तो पुरानी तोहफे लगी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, आज मैं आया था हालांकि इसका ब्लॉग शूट करने के लिए लेकिन आज बंद है, तो इसके लिए मैं आपको अंदर से दिखाऊँगा नहीं क्योंकि इसके अंदर म्यूजियम बनाया हुआ है। और दोस्तों बाहर से देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है दोस्तों इसका दृश्य है। और यहाँ पर भी चालू है मेट्रो का काम,
तो यहाँ पे दो गेट, एक पुराना गेट दोस्तों अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों चौक जो गेट ओपन किया हुआ है वो अंग्रेजों के ज़माने का है, और ये वाला गेट अभी बनाया गया है बाद में दोस्तों। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर इसका नज़ारा है। तो अभी मैं चलता हूँ आगे और आपको दिखाऊँगा जो नर्मदा नदी ताप्ती नदी के ऊपर होके जो उसका व्यू बना हुआ है ना दोस्तों, वही मैं व्यू दिखाने वाला हूँ दोस्तों। बनावट ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने के, लेकिन ये पुराने ज़माने के नहीं, लगभग इसको भी एक दो साल पहले इसको बना के पूरा ढांचा तैयार किया, क्योंकि किला पूरा एकदम बिल्कुल गिरने की कगार पे था, फिर यहाँ की सरकार ने इसको दोबारा से डेवलपमेंट करवाया दोस्तों। दोस्तों काफ़ी पुराना किला है, गिरने की कगार पे था, तो यहाँ की जो सरकार है गुजरात की SMC है, उसी ने इसको पूरा दोबारा से सर्विस करवाया, इसको दोबारा रिपेयरिंग करके इसको नया रूप दिया है दोस्तों। और ये पीछे का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी काम चालू है यहाँ पर, बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा है। तो दोस्तों मैं भी इधर से आया था, रितेश भाई वहीं पर खड़ा हुआ है, वो मुझे देख नहीं पाया शायद। और ये है ताप्ती नदी दोस्तों, आप देख सकते हैं ताप्ती नदी का नज़ारा, और ये है काम चालू दोस्तों इधर का। तो ये मैं किले के पीछे की साइड से आपको दिखा रहा हूँ, और सूरत महानगर पालिका हेरिटेज वॉक वे, इसको ब्रिज को नाम दिया है वॉक वे। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों कितना सुपर यहाँ से पीछे से दिखाई दे रहा है, और ये ताप्ती नदी है दोस्तों। रितेश भी आ चुका है वापस, इसको मैंने एक जगह पे खड़ा कर दिया था, अब इसको देख लीजिए कैसे बैठा हुआ बेचारा भोली सूरत बना के। और ये नज़ारा है कुछ दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पे सो रहे हैं, दारू पी पी के पोटली मार मार के यहाँ पे पड़े हुए लोग। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ना ये नज़ारा कुछ ताप्ती नदी का दोस्तों, तो कैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से कितना मस्त दिखाई दे रहा है, और मैं आपको जो बाज़ार बताना बाज़ार दिखाता हूँ दोस्तों, बाज़ार जो लगी हुई है ना उसी का नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना मैं आ गया हूँ ताप्ती नदी के ब्रिज के ऊपर, और मेरे को काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है, और मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ पर जो बाज़ार लगी हुई है ना, और सूरत का जो किला है उसी का भी नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको जो बाज़ार बताई थी ना, एक बार मैं आपको दिखा दूँ कैमरे से। तो दोस्तों देखो ये बाज़ार लगी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये है सूरत का किला का आउटडोर, लगता है इसकी बाउंड्रियाँ बना ली जा रही हैं, पीछे से इसको पूरा पैक कर दिया जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसकी बाउंड्रियों का काम चालू, हालांकि इसका उद्घाटन हो चुका है। और ये कुछ नज़ारा है दोस्तों, और ये है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी का नज़ारा। रितेश छोड़ के चला गया है आगे की तरफ, और लगभग ये ब्रिज 500 मीटर लंबा है, और वो पहुँच गया है आगे, तो यहाँ से पूरा रास्ता बंद है। तो अभी लगभग मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल, और ये वॉक वे बनाया हुआ था उसी के अंदर चल रहा हूँ, और ये दिखाया मैंने आपको अभी ताप्ती नदी का ब्रिज दिखा दिया मैंने आपको दोस्तों। अभी मैं आपको पूरा बैक कैमरे से दिखाता हूँ दोस्तों कैसा था ये दोस्तों। पहले पानी यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, वहाँ तक आपको दिख रहा होगा, अभी तो पानी कम हो गया, आप खुद देख सकते दोस्तों यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था, तो अभी पानी बिल्कुल वहाँ चला गया है आगे की तरफ। और कुछ ये नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी मैं चल रहा हूँ अंदर वॉक वे के, आप खुद ही देख सकते हैं कितना सुपर और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे चलते वक्त। और कुछ ये नज़ारा है दोस्तों ब्रिज का, ये ब्रिज भी लगभग दोस्तों अभी फिलहाल लगभग ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बने हुए, इसको भी लगभग 10 साल हुए हैं इसको बने हुए। और ये वॉक वे तो अभी फिलहाल नया बनाया गया है दोस्तों, देख सकते हैं खुद इसको कैसा मस्त दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया सारा नज़ारा, मेट्रो स्टेशन भी दिखा दिया, सॉरी मेट्रो का काम भी दिखा दिया मैंने, और यहाँ जो किला था सूरत का बाहर से वो भी दिखा दिया, और ताप्ती नदी का ब्रिज भी आपको दिखा दिया। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में दोस्तों, तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।